हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोनों दोस्तों का एक साथ किया अग्नि संस्कार। भीषण हादसे में दोनों की हुई थी मौत। नागाणी मंगलवार को अनादरा और गुलाबगंज के बीच भीषण हादसा हुआ था, जिसमें दोनों दोस्त देवी सिंह और कमलेश कुमार प्रजापत मकान का काम चालू था, उसका सामान लेने सिरोड़ी जा रहे थे। मगर अनादरा और गुलाबगंज के बीच आशापुरा पेट्रोल पंप के पास सामने से ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी, जिसमें दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। और मंगलवार को पोस्टमार्टम ना होने के कारण बुधवार सुबह पोस्टमार्टम किया गया। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कर परिजनों को दोनों शवों को परिवार वालों को दे दिया। उसके बाद दोनों शवों को एक साथ डाक गाँव में लेकर गए, जहाँ आसपास के गांव के लोग अंतिम संस्कार में आए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और दोनों दोस्त के साथ में अग्नि संस्कार किया गया। और आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग आए और गांव के किसी घर के चूल्हे नहीं जले, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अग्नि संस्कार में 1500 लोग हुए शामिल। अनादरा गुलाबगंज के बीच भीषण हादसे में दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे रेवत और उपखंड को हिलाकर रख दिया। अनादरा गुलाबगंज के बीच भीषण हादसे में दोनों दोस्तों की मौत ने पूरे रेवत और उपखंड को हिलाकर रख दिया। अग्नि संस्कार में 1500 लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नम आंखों से अग्नि संस्कार किया। दोनों दोस्तों की डेड बॉडी शमशान घाट पर पास में लकड़ी पर रखा और दोनों साथ में अग्नि संस्कार किया। यह पल देखकर सभी अग्नि संस्कार में शामिल हुए लोगों के आंखों में आंसू नहीं रुके। हर कोई भी गम था कि दोनों की दोस्ती एक अमर दोस्त है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। जागरूक टीवी के लिए नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।